सदर सांसद रवि किशन ने बुधवार को बाढ़ प्रभावित क्षेत्र सिमरा गांव का नाव से निरीक्षण किया तथा जिलाधिकारी से दूरभाष पर वार्ता कर उनकी समस्याओं को दूर करने की बात कही। इसके साथ ही सदर सांसद डोमिनगढ़ बंधे का भी निरीक्षण किया और बंधों के रख रखाव की जानकारी हासिल की। इस मौके पर जनता से शिकायत मिलने पर उन्होंने सिंचाई विभाग के अधिकारियों को कड़ी फटकार लगाई। सांसद रवि किशन ने बाढ़ से प्रभावित इलाकों के लोगों को राहत सामग्री के भी वितरण किया। निरीक्षण के दौरान सांसद प्रतिनिधि समरेंद्र विक्रम सिंह, पीआरओ पवन दुबे सहित पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इस संबंध में गोरखपुर न्यूज से बात करते हुए सदर सांसद रवि किशन शुक्ला ने कहा, ये तो इस साल भी सब गया लेके होंगे सब। अरे आप ले लीजिए ना भाई, वो आधार कार्ड पासबुक वो सब दीजिए हमको, सबके आज का संदेशा भिजवा दे, कल दे दीजिए दुबे जी को, कल दे दीजिए हम दे दे, कल करवा दे दुबे जी के दे दे, सब कल वो पहुंच जाए, जितना मकान गिर पाऊ पैसा मकान मिल जाए सबसे, हाँ सबको मिल जाएगा, आधार कार्ड पासबुक फोटो भिजवा दीजिए, ये पहला काम ही करवा दे। इसके कहीं और मतलब विस्थापित करेंगे, बहुत लोगों के पास जमीन भी तो नहीं है ना, सब लोग इमोशनली जुड़ा हुआ, देखो जो जन्म लिया है वो जगह नहीं छोड़ता, तो उनके भावना सरकारी मिल गया सबसे बेटर है, कितना लोग इस साल तो 8-10 लोग का काम गिरा होगा, वो तो हो जाए, बाकी बाकी लोग तो धीरे धीरे जाकर उधर बस ही गए, मंदिर उस पार इसी गांव के लोग गए हैं, कुल कितना मकान गिरा होगा, 70-80 मकान गिरा बाहर बाहर क्या जानते घूमने को, बाहर बाहर से तनी ताक ले ना, गाँव में लेके चले पश्चिम से घुमा, गाँव में ले चला भाई, गाँव में लेकर बहुत ही दिक्कत है, बहुत परेशानी है, और ये जल जमाव का पानी है, यहाँ पर एक पंप सेट लगाना बहुत जरूरी है। हम गाँव में भी काफी लोगों का मकान ध्वस्त हो गया, सब अभी लेकर लेखपाल जी आएंगे, हमको लिखवा दी, लोगों का नया मकान भी होगा, अनाज की कुछ व्यवस्था है वो भी कर दी, अभी कुछ लोगों का जो अनाज का कम है वो भी लिखवा के ले जा रहे हैं, कुछ पैकेट लाए हैं अनाज का वो अभी बांट दिए। डीएम साहब से फोन द्वारा आपके क्या, डीएम साहब से बात हुई कि एक नाव एक्स्ट्रा और उनको दे दीजिए, लोगों का सॉल्टेंट शिफ्टिंग की बात हुई है, लेकिन गाँव चाह रहा है कि उनका जानवर वगैरह भी तो गाँव नहीं जाना चाह रहा है, मेडिकल कॉलेज में एक व्यवस्था डीएम साहब ने की थी महिलाओं के लिए शौचालय, महिलाओं के लिए शौचालय के भी सब कुछ वहाँ पर एक व्यवस्था थी, लेकिन अब यहाँ पर कुछ करेंगे तो अब हम आए तो जरूर।